नमस्कार दोस्तों, आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम बात करेंगे साल 2020 की सबसे अच्छी और बेहतरीन भर्ती मनरेगा भर्ती 2020 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको जानकर खुशी होगी कि इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाने भी शुरू हो चुके हैं। आप लोग बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, आप लोग यहां पे देख पाएंगे। जिला ग्रामीण विकास की तरफ से भर्ती है, मनरेगा भर्ती है। और यहां पर मैं आपको सबसे पहले पोस्ट के नाम दिखा देना चाहूंगा, कौन कौन से पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। यहां पे आप लोग देख पाएंगे जो आपकी सबसे पहले भर्ती है ग्राम रोजगार सेवा की, उसके बाद यहां पे कंप्यूटर सहायक और लेखा सहायक, साथ में कनीय अभियंता और सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखे। मैं नीचे जाता हूं, आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये जो नोटिफिकेशन है 7/1/2020 यानी कि 7 जनवरी को जारी किया गया है और इसकी जो आखिरी डेट है वो यहां पे 25 जनवरी 2020 रखी गई है। आपको इससे पहले यहां पे आवेदन करना होगा। आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे आप लोग देख पाएंगे 25/1/2020 यानी कि 25 जनवरी के शाम 4 बजे तक आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। और यहाँ पे आपको सैलरी के साथ में सारी चीजें बताई गई हैं। साथ में आप सभी के लिए यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भी दिया गया, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे आवेदन पत्र यहाँ पे दिया गया, जहाँ पे आपको इसका फोटोग्राफ लगा के पूरी जानकारी भर के भेजना होगा। कैसे क्या करना होगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है और ऑल इंडिया जॉब है यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों से आवेदन किया जा सकता है। अगर आप लोग केवल 10वीं पास है तो ग्राम रोजगार सेवक की पदों के लिए, 12वीं पास है तो कंप्यूटर असिस्टेंट और ग्रेजुएट है तो अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता ब्लॉक डेवलपमेंट जैसी पदों पर आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन और आवेदन करने का आवेदन पत्र आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, बस आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जीमेल के माध्यम से रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग करना है और साथ में एक अच्छा सा रिव्यू जरूर करना है। यहाँ पे कमेंट करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको गवर्नमेंट की टीम जितना भी जल्दी हो सकेगा आपको आपके जीमेल के माध्यम से फॉलो करके आपको जॉब प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 4.66 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग है अभी तक की। तो चलिए नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम रोजगार सेवक के लिए यहाँ पे 63 पदे हैं, कंप्यूटर सहायक के लिए 7, यहाँ पे लेखा सहायक के लिए 7 और कनीय अभियंता के लिए 14 और सहायक अभियंता के लिए 5 और यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 1, यानी कि कुल मिला के आपको 97 यानी कि 57 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलने वाली है। आवेदन करने का नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, तो आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई जहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें यहाँ पे आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, कितनी पोस्टें रहेंगी, क्या क्या यहाँ पे आपका जो है तो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में सारी जानकारी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पे पहली पोस्ट है यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन पत्र उप विकास, यहाँ पे आपको जो है तो एड्रेस दिया गया है, आपको इस एड्रेस में भर के भेजना होगा। साथ में पहली जो पोस्ट है वो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की है, उसके लिए यहाँ पे जो आपका वेतन है वो 19,500 रुपये दिया जाएगा स्टार्टिंग में। और इसके लिए मैंने बता दिया कि आपका ग्रेजुएशन वो भी 55% कम से कम अंकों के साथ पास होना जरूरी है। तकनीकी सहायक की पोस्ट है जहाँ पर 19,234 रुपये आपको मिलेंगे और यहाँ पे एक और तकनीक सहायक है, यहाँ पे आपको 17,520 रुपये दिए जाएंगे। साथ में यहाँ पे आपका जो लेखा सहायक की पोस्ट है उसके लिए आपको केवल और केवल 10,000 दिए जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में ज्वाइन करना ही होगा। और कंप्यूटर सहायक के लिए सेम यहाँ पे 10,000 है। सबसे अच्छी और सबसे छोटी पोस्ट है यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक के लिए, जहाँ पे मैट्रिक यानी कि 10वीं पास मांगा गया है और यहाँ पर आपका केवल स्टार्टिंग में 7500 यानी कि 7,500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सैलरी की बेस पे नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग 18 से लेकर कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 35 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ST/SC OBC को छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल और ST/SC के लिए 5 सालों की छूट रखी गई है। साथ में उसके बाद आपको डायरेक्ट आपका फॉर्म मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं किसी भी कंप्यूटर से निकलवा के इसको भर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भर के भेज के दिखाऊँ तो इस वीडियो के लिए 500 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।